सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपका यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश को स्टार्ट किया हुआ था, और मैं इंग्लिश को स्टार्ट करके आपको उसका ग्रामर का सिलेबस आपको पहली वीडियो में मैंने बताया। फिर मैंने दूसरी वीडियो जो स्टार्ट की उसमें आपको मैंने आपको उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर शुरू कराया था, जिसमें मैंने आपको रूल लिखा दिए थे, जो कि वीडियो मेरा कल पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को देखना है, क्योंकि आप जब उस वीडियो को देखेंगे तभी आप इस वीडियो पर आना, क्योंकि पहले मैंने आपको रूल्स लिखाए थे। अब मैं आपको सेंटेंसों को चेंज करना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हो। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आई से हिम द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, मैंने कहा, मतलब आई से हिम मैं कहता हूँ उससे कि जो सूर्य होता है वो तो पूर्व में निकलता है। ठीक है, तो मैंने कहा था इस से को आप कहाँ चेंज करोगे और से किस में आता है, तो से आता है प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट का होता है इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर में जब वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब की, ये क्या है आपका, इतना जो पोर्शन है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और इधर का जो पोर्शन है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, तो इसमें अगर ये वर्ब प्रेजेंट की टेंस की है तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा जो रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हुआ है। और देखिए, यहाँ पे एक बात और आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि ये क्या कह रहा है कि जो सूर्य होता है वो पूर्व में निकलता है। तो आपको जैसा मालूम ही है कि सूर्य जो होता है हमारा पूर्व में निकलता है, पश्चिम में तो निकलता नहीं है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, उसे मैं यहाँ आगे इसका ही बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे आई से हिम, और कंजक्शन की बात की थी तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। दैट हमने कंजक्शन लगाया, आई से हिम दैट द सन, आप पूरा कर दीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, EAST। ठीक है, ईस्ट, तो सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या दिया हुआ है, दूसरा लिखा है भरत सेज टू श्रुति। अब भरत ने श्रुति से कहा कि खुशी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। खुशी क्या पढ़ रही है, एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ठीक है, तो भरत सेज, अब सेज को मैंने बताया था किस में चेंज होता है, और सेज होता किसका है, सेज प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस दिया है उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें पूरा लिखना है इसका। तो भरत, यहाँ पे हम लिखता हूं मैं भरत, भरत सेज का किस में चेंज हो जाएगा, तो सेज का हम ज्यादा टेल्स में चेंज हो जाएगा, भरत टेल्स श्रुति, भरत टेल्स श्रुति दैट दैट खुशी, खुशी, आप स्वयं पूछा बता दीजिए, खुशी इज रीडिंग रीडिंग अ न्यूज पेपर, न्यूज पेपर। ठीक है, श्रुति खुशी क्या कर रही है, न्यूज पेपर पढ़ रही है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, अब जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से भी आप आ सकता है कि इन्वर्टेड कोमा वाला पहले आपको दे दे, और यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब दे दे, इधर की रिपोर्टिंग स्पीच दे दे। ठीक है, तो हमें कहाँ से बनाना है, इधर से ही बनाना है, रिपोर्टिंग वर्ब से ही हमें बनाना है। ये क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, इधर से ही हमें बनाना है। तो हमें क्या लिखना है, द सन, तो हमने लिखा द सन, इधर ही मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए द सन, नहीं द टीचर है, द टीचर सेड टू, और सेड टू को किस में चेंज करेंगे, तो हमने बताया था ऐसे हम टोल्ड में चेंज करते हैं, सेड टू किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स
टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक ये बना लिया, अब हम यहाँ से बात करेंगे इसकी, इधर से स्टार्टिंग से, ठीक है। तो दैट का भी यूज कर लेंगे, दैट कंजक्शन है हमारा, तो हमने दैट यूज किया, दैट। फिर उन्होंने क्या कहा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब जो ये जो अर्थ है वो किसके चारों ओर घूमती है, तो ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब सूर्य के चारों ओर घूमती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो घूमना बंद कर देगी, या मान लीजिए वो किसी दूसरे तरफ घूमने लगेगी, तो ये चेंज नहीं होगा। तो दैट, इसलिए पूरा का पूरा वैसा सेंटेंस में बता दीजिए, द अर्थ मूव्स, यहाँ लिखिए द अर्थ, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया हुआ है आपका, यहां से बनाऊंगा। अब देखिए इसमें लिखा है मीरा इज इल, मीरा बीमार है, से सीता, सीता कहती है कि मीरा क्या है, बीमार है। अब सेज चेंज ही नहीं होगा, हमने बताया था सेज नहीं चेंज होता, तो क्या लिखेंगे। और ये सेज हमें क्या बताता है कि प्रेजेंट की, प्रेजेंट की ये वर्ब है, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो दी हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब में दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सीता, तो इधर से ही हमें लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। सीता सेज, सीता कहती है, दैट कंजक्शन लगा दिया, दैट। उसके बाद क्या, मीरा इज इल, तो मीरा इज इल सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, मीरा इज इल, मीरा कैसी है, मीरा बीमार है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए ये क्या कह रहा है, महेश सैड, महेश ने कहा, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो कितने होते हैं, चार होते हैं। तो महेश ने कहा, तो महेश, तो हमने लिखा महेश सैड, सैड सैड ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होगा, हमने जैसे आपको लिखाया था कि आपको कैसे चेंज करने, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, से टू का टेन हो जाएगा, सेज टू का टेंस हो जाएगा, सेड का सेड रहेगा, और सेड टू का आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये आपको कल बताया था वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए जाके। अब इसके बाद सेड के बाद मैंने लगाया दैट, ठीक है। अब ये सेंटेंस हम देखते हैं कहीं ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, ये ट्रुथ तो नहीं है, देखिए आप, देखिए यहाँ पे टू एंड टू मेक फोर, मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, तो दो और दो हमेशा चार ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा दो और दो पांच हो जाएं, या दो और दो तीन ही रह जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या है, ये सदा सत्य रहने वाली चीज है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, महेश सेड दैट, अब ये सेम टू सेम उतार देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना आपको, टू एंड टू मेक फोर, मेक फोर, ठीक है, सेम टू सेम आपको उतारना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई चेंज नहीं होता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी में भी हो, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, उज्जवल पास्ट एग्जाम, उज्जवल ने एग्जाम को पास कर लिया, ये कौन कह रहा है, सुधा से, सुधा कहती है कि उज्जवल ने एग्जाम को पास कर लिया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो हमने करा सुधा से स्टार्ट, सुधा, सुधा सेज, तो सेज सेज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेज दैट, गाने कहा कि उज्जवल पास्ट द एग्जाम, उज्जवल ने क्या दिया, एग्जाम को पास कर लिया है। अब देखिए ये जो है ना, ये प्रेजेंट में है सेज, तो इसके सेंटेंस में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है, ये सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, वैसा ही आप इसे बिना देखे उतार दीजिए, ठीक है। तो उज्जवल, तो उज्जवल हमने लिखा उज्जवल, ठीक है, उज्जवल पास्ड, पास्ड द एग्जाम, क्या एग्जाम, ठीक है, द एग्जाम, उज्जवल ने क्या दिया, एग्जाम को पास कर लिया, ठीक है, हो गया इसे पूरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला नेक्स्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे करेंगे इसे क्या कह रहा है, राम सेज, सेज किसमें है, प्रेजेंट के टेंस में है, तो सेज को तो आप इसके सेंटेंस में टेंस में चेंज नहीं होगा, तो राम, तो राम लिखा, राम सेज दैट, कंजक्शन लगाया दैट हमने, दैट के बाद क्या है, कृष्णा प्लेस क्रिकेट, तो कृष्णा है वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो कृष्णा प्लेस क्रिकेट लिखिए, कृष्णा प्लेस क्रिकेट,
ठीक है, प्रश्न ऑफ प्लेस क्रिकेट, तो ये बन गया प्रश्न ऑफ प्लेस क्रिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मोहन विल से टू मी, मोहन विल से टू मी, मोहन मुझसे कहेगा, क्या कहेगा, कि शाश्वत इज अ गुड बॉय। शाश्वत कैसा है, एक अच्छा लड़का है, तो ये बिल कहां से बताता है आपको, ये फ्यूचर का है, तो फ्यूचर का भी चेंज नहीं होता है जैसा हमने आपको कल ही बताया था। तो आपको क्या लिखना है, मोहन विल सेज, तो हम ये सेज लगाया, सेटू किसमें चेंज कर रहे हैं, टेल में चेंज कर रहे हैं, सेटू टेल मी क्या कहा उसमें, और ये जो है ना ये किसमें है, ये आपका थर्ड पर्सन का है इसलिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन का है इसलिए चेंज नहीं होगा। देखिए शाश्वत हमें टेल के बाद लिखना, दैट हमें टेल दैट शाश्वत इज अ गुड बॉय। शाश्वत इज अ गुड बॉय, शाश्वत कैसा है, एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अनिल सेड, अनिल ने कहा, अंजू राइट्स एन ऐसे, अंजू क्या लिखती है, ऐसे लिखती है। ठीक है, तो हम इसका बनाएंगे, अनिल सेड दैट अंजू राइट्स। अब राइट्स किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये किसमें पहुंचेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो रोट हो जाएगा, रोट एन ऐसे, तो एन ऐसे, तो एन ऐसे रह जाएगा, एन ऐसे। ठीक है, एन ऐसे हो गया। इसके बाद आप देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें लिखा है ही सैड अमित इज अनवेल, ही सैड उसने कहा, ठीक है, ही सैड दैट, तो अब दैट का यूज कर दिया तो सैड तो बदलता ही नहीं है, ही सैड दैट अमित इज अनवेल, तो अमित इसकी जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो ये पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह बाहर हो गया, और अनवेल क्या है, अच्छा नहीं है, अमित क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अमित इज अनवेल। ठीक है, अब आगे देखिए, मोना सेड, मोना ने कहा, तो यहां पे लिखेगा मोना सेड दैट मोना कहती है सलोनी इज स्लीपिंग, सलोनी क्या कर रही है, सो रही है। अब ये पास्ट का है तो भीतर का टेंस चेंज होगा। ठीक है, तो दैट के बाद क्या लिखा, सलोनी थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सलोनी, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, बाज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा, जैसा हमने आपको बताया था कल, स्लीपिंग। ठीक है, स्लीपिंग। अब नेक्स्ट देखिए यहां पे आपका दिया है 12 नंबर का, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा कि रोशनी हैज डन द वर्क, रोशनी ने अपना कार्य कर लिया है। ठीक है, तो इधर हम इसको बनाते हैं, तो रेखा सेड दैट अब ये सेड रेखा के बाद टू मी और लगाए, तो ये सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान नहीं लगाएंगे, सेड को भी आप टोल्ड करोगे, टोल्ड मी मुझे बताया, टोल्ड मी फिर क्या कहा है, रोशनी हैज डन द वर्क, तो रोशनी अब ये जो हैज लगाया है तो ये हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो हैड डन द वर्क, ठीक है,
had done the work. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि रवि सेड टू अमन, रवि ने अमन से कहा, तो सेड टू किसमें कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रवि टोल्ड अमन, रवि टोल्ड अमन, रवि टोल्ड अमन दैट दैट रवि टोल्ड अमन दैट मानसी हैज बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स, मानसी 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है, तो मानसी तो दैट लगा दिया, तो मानसी मानसी ठीक है, मानसी अब हैज की जगह क्या हो जाएगा, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो हैज की जगह हैड लगा दो, हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग रीडिंग फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स, ठीक है, हैड बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स, 2 घंटे से क्या कर रही है, वो पढ़ रही है, और वहां पढ़ रही थी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अशोक बिल्स विल नॉट गो टू स्कूल, अशोक स्कूल नहीं जाएगा, ये आपका रिकॉर्डिंग स्पीच है, सैड विजय, विजय ने कहा, तो विजय सैड, विजय सैड दैट, सैड के बाद क्या लगाना है, दैट लगाना है, विजय सैड दैट कि अशोक, अशोक अभी सैड है, ये पास्ट का है तो इधर का टाइम चेंज होगा, ठीक है, तो अशोक बिल, तो अशोक लिखा मैंने यहां पे, अशोक अशोक ठीक है, ऐसा लिख दो, अशोक बिल का क्या हो जाएगा, तो बिल का हो जाएगा बुढ़ापा, अशोक बिल की जगह कर दो बुड, अशोक बुड, क्योंकि बिल को हम किस में चेंज करते हैं, बुड में कर देते हैं, वुड नॉट गो टू स्कूल, टू स्कूल, ठीक है, तो वुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, आमिर सेड टू जॉन, आमिर ने जॉन से कहा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आमिर आमिर, अब क्या लिखा है यहाँ पे, सेड टू, इसमें किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में, तो आमिर टोल्ड जॉन, आमिर ने जॉन से कहा दैट, दैट लगा दिया हमने, तो लिखा है सतीश सेल, ठीक है, सतीश सेल कंप्लीट द वर्क, तो सतीश का सतीश लिख दिया हमने, सतीश, ठीक है, अब सेल है ना, इसे आप शुड में चेंज कर सकते हो, शुड ऑब्लिक से बुड में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, बुड बुड कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट कंप्लीट द वर्क, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप बुड का यूज करो, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादातर चाहिएगा उसका मीन नहीं निकलता है ना, ठीक है, ये सीधा कह रहा है उससे। अगला देखिए आप सेंटेंस क्या कह रहा है कि सिद्धांत सैड, सिद्धांत सैड और शाश्वत, अब देखिए ऊपर का बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ये नीचे नहीं हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा ऐसे साफ कर लेते हैं, ठीक है, साढ़ा साफ कर लेते हैं, तो आप इन्हें आपने कर दिया होगा, ठीक है, तो आगे का थोड़ा ऊपर का साफ कर लेते हैं इधर का, ठीक है, तो यहीं पे हम आपको बता देंगे, आपने ये ऊपर वाले कर लिए होंगे सभी, क्योंकि बहुत देर हो गई है इनको, ठीक है, लिखे हुए, आपको ऐसा करिया करिए कि पहले शुरू में ही पॉज करके आप ये सेंटेंस लिखते, तब आपको पढ़ना होता है, तब दिया करिए आप, ठीक है, तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं, हम 12 तक कर लिए, तो 9 तक हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने इन्हें मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रहेगी, तो थोड़ा जगह भी हो जाएगी, तो आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, तो आप इन सेंटेंसों को देखते रहिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई भी सेंटेंस अगर समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है, पूछ सकते हो आप, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए मुझे, पूछिए मुझे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, बताने के लिए यहाँ हूँ। देखिए रेखा तक हो गया, अब यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया, अशोक विल नॉट, ठीक है, यहाँ तक कहाँ तक हमने कर दिए थे,
तो ये हमने यहां तक कर दिए हैं 15 तक, ठीक है, आप 16वां चलेगा। तो क्या कह रहा है ये सिद्धांत, ये है 16, ठीक है, सिद्धांत, सिद्धांत क्या कह रहा है, सिद्धांत सैड, सैड है तो सैड ही रहेगा, सिद्धांत सैड दैट, सिद्धांत सैड दैट शाश्वत, अब ये लिख रहा है शाश्वत, तो शाश्वत लिख दिया हमने, शाश्वत, ठीक है, सिद्धांत सेड दैट शाश्वत, सिद्धांत ने शाश्वत से कहा, ठीक है, तो कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कैन को कैसे चेंज कर देते हैं, कुड, कुड सॉल्व, सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर लीजिए इसे। अब देखिए 17वां क्या कह रहा है, देखिए 17वां, अमित सैड, अमित ने कहा, तो अमित सैड लिखा मैं, अमित सैड, अमित सैड दैट, इतना तो हमें लिखना है, लिख दिया मैंने, अमित सैड दैट के बाद आपका आ जाएगा इट मे रेन, तो इट मे रेन, तो इट को किसी चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन का है, तो इट मे का हो जाएगा माइट, हमने बताया था आपको चेंज होता है, मे जगह माइट का दो रहे, ठीक है, इसका दो रहे। अगला देखिए 18वां क्या कह रहा है, देखिए 18 कह रहा है कि बी डी शुक्ला सर्वड एज अ प्रिंसिपल बिफोर रिटायरमेंट सैड अशोक, अशोक ने कहा कि बी डी जो शुक्ला है वो क्या है, वो अपने रिटायरमेंट से पहले किसके रोल में थे, किसकी, किसके रूप में वो सेवा कर रहे थे, तो वो एक प्रिंसिपल के रूप में सेवा कर रहे थे, तो हम यहां से लिखेंगे अशोक, 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 ठीक है, अशोक सैड, अशोक सैड, अशोक ने कहा दैट, अशोक सैड दैट, अशोक सैड दैट, यहां से हो गया। इसके बाद यहां से बी डी, बी डी, बी डी शुक्ला, ठीक है, बी डी शुक्ला, बी डी शुक्ला सर्वड, सर्वड ये किसकी है, तो ये आपको सर्वड दिखा रही होगी कि ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट की है, तो इसे हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो शुक्ला हेड सर्वड कर देंगे, हेड लगा देंगे और सर्वड कर देंगे, हेड सर्वड एज अ प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल बिफोर, और बिफोर का क्या लिख देंगे, बिफोर तो बिफोर रहेगा ही, ठीक है, एवो का बिफोर होता है, तो बिफोर लिख दिया, बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, ठीक है, जो बी डी सावरकर शुक्ला थे वो अपने रिटायरमेंट से पहले किसके रूप में कार्य कर रहे थे, प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। 19वां देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अंजू सैड, तो अंजू ने कहा, तो अंजू सैड, अंजू सैड दैट, कंजेशन लगा दिया हमने, उसके बाद सुधाबाज, तो सुधा लिखा हमने, सुधा, ठीक है, सुधा बाज बेटिंग, तो बाज बेटिंग किसमें है, कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसे हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या लिखेंगे, हैड बीन, हैड बीन बेटिंग, हैड बीन बेटिंग, हैड बीन बेटिंग फॉर, फॉर, और ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट है, किसका है, तो ये हर है सी का ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का होता है वो चेंज होगा, था ही होगा ही नहीं, तो हर ही लिख दो, हर ब्रदर, ब्रदर, हर ब्रदर, बट, बट क्या हुआ, ही, तो ही आता है किसमें, ये थर्ड पर्सन में आता है, ये भी चेंज नहीं हुआ, ही डिड नॉट, डिड नॉट का क्या हो गया, हैड नॉट, ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो इससे पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, तो हैड नॉट, हैड नॉट कम, ठीक है, तो कम लिख दिया हमने, हैड नॉट कम, नहीं आई थी वो, ठीक है,
तो सुधा ने कहा कि उनका जो अंजू सेड दैट, अंजू ने कहा सुधा हैड बीन वेटिंग, जो सुधा थी वो वेटिंग करती रही और फॉर हर ब्रदर अपने भाई के लिए, बट ही हैड नॉट, पर वो नहीं आया था, ठीक है, वो वेट करती रही पर वो नहीं आया था। नंबर बीस लास्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू, सेड टू का क्या हो जाएगा, ये टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, तो आई एम नॉट काइंड हार्टेड मैन, ये क्या कह रहा है, उसने मुझसे कहा कि मैं दयालु व्यक्ति नहीं हूं, तो आई ठीक है, तो आई है जो आपका वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो देखिए फर्स्ट पर्सन कौन है, ही, तो क्या आ जाएगा, ही और ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, ग्रीन किया, ही वॉज नॉट, क्योंकि ये है आपका कंटिन्यूस का, ठीक है, उसमें है तो एम की जगह क्या हो जाएगा, ये एम की जगह क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं है, बाज नॉट काइंड हार्टेड, हार्टेड मैन, ठीक है, उसने कहा कि मैं एक दयालु व्यक्ति नहीं हूं। तो इस तरीके से आप इनको सभी सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। तो ऐसे ही हम आपके दो तीन दिन तक आपकी एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है, आपको प्रैक्टिस कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर कोई भी दिक्कत होती है समझने में तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे को और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।